हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक नई गेम जिसका नाम है लकी नंबर्स। ये एक 1 to 4 प्लेयर गेम है और इसे खेलने की रिकमेंडेड एज है 8 इयर्स एंड अबाउ। इस गेम में आपको मिलते हैं 4 गेम बोर्ड्स और 4 अलग कलर के फ्लावर सेट। हर सेट में 20-20 टाइल्स हैं और इन टाइल्स पर 1 से लेकर 20 तक के नंबर लिखे हुए हैं। इस गेम में प्लेयर्स को अपने गेम बोर्ड की हर एक स्पेस को फ्लावर टाइल से भरना है, लेकिन कुछ इस तरह से कि हर रो और कॉलम के नंबर्स छोटे से बड़े ऑर्डर में हो। जो प्लेयर सबसे पहले अपने गेम बोर्ड की सभी स्पेस को फ्लावर टाइल से भर देगा वो ये गेम जीत जाएगा। सबसे पहले सभी प्लेयर्स को एक एक गेम बोर्ड दे दीजिए। प्लेयर्स को बोर्ड कुछ इस तरह से रखना है जिससे ये सिंबल बोर्ड के राइट साइड के नीचे के भाग में रहे। उसके बाद इन 4 फ्लावर सेट में से सिर्फ उतने ही फ्लावर सेट यूज कीजिए जितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सिर्फ 2 ही प्लेयर गेम खेल रहे हैं तो इन 4 सेट में से आप कोई भी 2 कलर के फ्लावर सेट यूज कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए हम येलो और पर्पल कलर के फ्लावर सेट यूज करेंगे। बचे हुए फ्लावर सेट को गेम बॉक्स में रख दीजिए। अब इन सभी टाइल्स को उल्टा कीजिए और उन्हें अच्छे से मिक्स कर दीजिए। टाइल्स मिक्स करने के बाद उन्हें सभी प्लेयर्स के बीच में रखिए। अब सभी प्लेयर्स को इस एरिया में से 4 टाइल्स लेनी है और उन्हें अपने गेम बोर्ड के पास रखना है। प्लेयर को इन टाइल्स को छोटे से बड़े नंबर के हिसाब से अपने बोर्ड के इन 4 स्पेस पे रख देना है। छोटा नंबर बोर्ड के लेफ्ट साइड में ऊपर आना चाहिए और बड़ा नंबर बोर्ड के राइट साइड में नीचे। टाइल्स रखने के बाद प्लेयर गेम खेलने की शुरुआत कर सकते हैं। जो प्लेयर उम्र में सबसे बड़ा होगा वो गेम का पहला टर्न लेगा और उसके बाद सभी प्लेयर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न बाय टर्न खेलेंगे। प्लेयर को अपने टर्न पर सबसे पहले एक फ्लावर टाइल उठानी है। प्लेयर फ्लावर टाइल को या तो इस एरिया में से उठा सकता है या तो इस एरिया में से। फिलहाल इस एरिया में कोई टाइल नहीं है तो प्लेयर यहां से उठा नहीं सकता, लेकिन गेम में आगे चलकर यहां भी टाइल हो सकती है। टाइल उठाने के बाद प्लेयर को डिसाइड करना है कि वो इस टाइल को अपने बोर्ड पर रखना चाहता है या फिर इस एरिया में। इस एग्जाम्पल में प्लेयर 1 ने इस टाइल को इस एरिया में रखने का फैसला किया है। प्लेयर टाइल चाहे कहीं भी रखे, टाइल रखने के बाद उसका टर्न खत्म हो जाएगा, जिसके बाद दूसरा प्लेयर अपना टर्न खेलेगा। अब प्लेयर 2 या तो इस एरिया में से टाइल उठा सकता है या तो इस एरिया में से। प्लेयर 2 ने यहां से टाइल उठाने का फैसला किया है। प्लेयर 1 की तरह ही प्लेयर 2 को डिसाइड करना है कि क्या वो इस टाइल को अपने गेम बोर्ड पर रखना चाहता है या फिर इस एरिया में। प्लेयर 2 ने इस टाइल को अपने बोर्ड पर रखने का फैसला किया है। टाइल को गेम बोर्ड पर रखते वक्त प्लेयर को कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ध्यान में रखने होंगे। प्लेयर टाइल को अपने बोर्ड के किसी भी खाली स्पेस या किसी और टाइल की जगह पर रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब टाइल रखने से उस स्पेस की रो और कॉलम के सभी नंबर्स छोटे से बड़े ऑर्डर में हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर प्लेयर इस टाइल को यहां रख सकता है क्योंकि टाइल को यहां रखने से इस स्पेस की रो और कॉलम के सभी नंबर्स छोटे से बड़े ऑर्डर में हो जाते हैं। वैसे ही प्लेयर इस टाइल को यहां नहीं रख सकता क्योंकि यहां रखने से सिर्फ कॉलम के नंबर ही ऑर्डर में हो जाते हैं, रो के नहीं। याद रखिए, टाइल रखने से रो और कॉलम दोनों के नंबर ऑर्डर में होना जरूरी है, वरना प्लेयर टाइल नहीं रख सकता। अब आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में प्लेयर ने इस टाइल को खाली स्पेस में रखने के बदले अपनी एक दूसरी टाइल के साथ रिप्लेस करने का फैसला किया है। प्लेयर ऐसा कर सकता है क्योंकि टाइल रिप्लेस करने से उस स्पेस की रो और कॉलम के सभी नंबर्स छोटे से बड़े ऑर्डर में हो जाते हैं। यदि टाइल रिप्लेस करने से रो और कॉलम के नंबर ऑर्डर में नहीं होते तो प्लेयर उस टाइल को रिप्लेस नहीं कर सकता। रिप्लेस की हुई टाइल को इस एरिया में रख दीजिए। ऐसे ही सभी प्लेयर्स को टर्न बाय टर्न खेलना है। जैसे ही किसी प्लेयर के बोर्ड की सभी स्पेस फ्लावर टाइल से भर जाती है तो ये गेम एंड हो जाएगी और वो प्लेयर गेम जीत जाएगा। गेम एक और तरीके से भी एंड हो सकती है। अगर किसी प्लेयर ने
इस एरिया की आखिरी टाइल उठा ली है और अभी तक किसी भी प्लेयर के गेम बोर्ड की सभी स्पेस नहीं भरी तो भी ये गेम एंड हो जाएगी। उस सिचुएशन में जिस प्लेयर के बोर्ड पर सबसे कम खाली स्पेस बची होगी वो ये गेम जीत जाएगा। अगर दो या दो से ज्यादा प्लेयर के गेम बोर्ड पर सेम नंबर ऑफ स्पेस खाली बची है तो वो सभी विनर्स कहलाएंगे। इस गेम को अगर आप थोड़ा और चैलेंजिंग बनाना चाहते हैं तो सेटअप के दौरान एक वेरिएशन यूज कर सकते हैं जिसे हम माइकल सेटअप कहते हैं। इस सेटअप में प्लेयर को पहले की तरह चार टाइल्स उठानी है लेकिन एक साथ नहीं। पहले एक प्लेयर सिर्फ एक टाइल ड्रॉ करेगा और उसे अपने गेम बोर्ड के इन चार स्पेस में से किसी भी एक स्पेस पर रखेगा। उसके बाद दूसरा प्लेयर एक टाइल ड्रॉ करेगा और वो उसे अपने गेम बोर्ड पर रखेगा। ऐसे ही प्लेयर्स को टर्न बाय टर्न करके टोटल चार टाइल्स ड्रॉ करनी है और अपने गेम बोर्ड पर रखनी है। सेटअप के दौरान प्लेयर ने एक बार जो टाइल बोर्ड पर रख दी उसे वो चेंज नहीं कर सकते। सेटअप करने के बाद प्लेयर्स नॉर्मल रूल से गेम खेल सकते हैं। अगर सारे प्लेयर्स आपस में एग्री करते हैं तो वो इस गेम का टूर्नामेंट मोड भी खेल सकते हैं। टूर्नामेंट मोड में प्लेयर्स को उतनी गेम्स खेलनी है जितने नंबर ऑफ प्लेयर्स है ताकि हर प्लेयर को एक एक बार फर्स्ट प्लेयर बनने का मौका मिले। हर गेम के बाद प्लेयर को कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। गेम विनर को टोटल 2 पॉइंट्स और बाकी सब प्लेयर को अपने गेम बोर्ड पर बची हुई खाली स्पेस के -1 पॉइंट्स मिलेंगे। गेम्स खेलने के बाद जिस प्लेयर के टोटल पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे वो ये टूर्नामेंट जीत जाएगा। इस गेम का एक सोलो मोड भी है जिसका मतलब ये है कि आप इस गेम को अकेले भी खेल सकते हैं। सोलो मोड की रूल बुक में 40 पजल दिए गए हैं जिसे आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सोलो मोड खेलने के लिए सबसे पहले किसी भी एक कलर के फ्लावर सेट ले लीजिए। उसके बाद आपको जो पजल सॉल्व करनी है उसके हिसाब से फ्लावर टाइल को गेम बोर्ड पर अरेंज कर दीजिए। अब आपको इतने टर्न्स में इन टाइल को कुछ इस तरह से अरेंज करना है जिससे इस बोर्ड के सभी रो और कॉलम के नंबर्स छोटे से बड़े ऑर्डर में हो जाए। पजल के सॉल्यूशन इस बुक में दिए गए हैं। और ये थे लकी नंबर्स गेम खेलने के सारे रूल्स। अगर आपको इस गेम के रूल्स को लेकर कोई प्रश्न है तो उसे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।